मैं उन्होंने बोला कि तू सा दिखना ये जो ऊपर है वो ग्रेड वाला बताया कि कुछ खिसकी गया मुझे डाउट है हाँ मैं थी क्या मुझे क्या बता था कि तू सा भी बिकी गई हो अब जब गया वोट डाले भली चंगी बात की मैंने बिचड़ में कितनी घोषणाएं की मेरे जिले का विधायक मेरे सुबह भी हाँ करता रहा शाम को भी हाँ करता रहा राती में फोन किया रात 11 बजे मैं संभाली लेती हूँ प्यागा फिर मैं पूछा हो जो मतलब क्या हाल है ठीक है मैं मतलब ब्रेकफास्ट करने भी करने बैठी है अच्छा मैं जानते पढ़ना पुढ़ना ठीक की तेज ने चली गया पता लग गया इन्हें भी वोट खराब डाल दिया वोट खराब डाल दिया मैंने सोचा मुझसे कुछ गलती हुई होगी मैंने कहा इनसे बात करो जब राज्यसभा का वोट डालता है तो ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती क्योंकि उसमें दिखा के वोट डालते हैं उनमें विप नहीं लगता पर बजट सेशन चला हुआ था मैंने कहा अब इनसे बात करो और बजट में हमारी सहायता करो बोले 27 तारीख जो संजय पूछी गया हरियाणा सरकार के अंडर मैंने हिमाचल से साड़ी सरकार चिट्ठी बुद्धि चले गए हरियाणा सरकार के क्या होटल होलीडे इन है वहां सीआरपीएफ लगी पुलिस लगी मैंने अपने साथियों को बोला बातचीत कीजिए 28 तारीख को बजट पास होना था जिसमें ये योजनाएं थी मैं बजट की तैयारी कर रहा हूं बजट की तैयारी करने के बाद टीवी में खबर चली सब लोगों को बोला मैंने बोला इनसे बात करो दुख तब होता है पीड़ा तब जो होती है कि जिस जिले से आपका मुख्यमंत्री हो उस जिले के 3 विधायक राजनीतिक मंडी में बिक जाए कोई कर्जा नहीं है ये राजनीतिक मंडी में बिके हुए लोग हैं जो आपके बोर्ड से विधायक बने आपके बोर्ड से चुनकर विधायक की कुर्सी पर पहुंचे और जब कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर विधायक बने और आपने राजनीतिक मंडी में बेचा और जिस भारतीय जनता पार्टी ने जनता की भावनाओं से सौदा किया है क्या आप ऐसी पार्टी को और ऐसे विधायक को माफ करेंगे आप खड़े करके बताइए सच में खड़े करके बताइए दोनों हाथ इनको सबक सिखाने का समय आ चुका है मैं इसलिए नहीं कह रहा मेरे जिले से तो 3 विधायक चुने हैं मैं आपको वादा करता हूं बड़सर की जनता को और हमीरपुर की जनता को मैं आपके साथ हूं आज तक मैंने कभी किसी के हस्तक्षेप नहीं किया था मैं बड़सर भी कई बार आऊंगा हमीरपुर के हर कोने में आऊंगा हिमाचल प्रदेश के हर कोने में आऊंगा रखी है डर रहे हैं वो टैची को संभालने के लिए भी इन्होंने केंद्र की सीआरपी पुलिस लगा रखी है मैं इनको सुरक्षा देने के लिए तैयार हूं मैं हिमाचल पुलिस वालों को सबसे ईमानदार मानता हूं वो दे सकते हैं क्यों सीआरपीएफ की पुलिस लगा रखी है ये टैची वाले को सबक सिखाना है ये चुनाव हिंदुस्तान की राजनीति की दिशा और दशा तय करेगा ये चुनाव भविष्य में कोई ना बिके उसकी दिशा तय करेगा ये चुनाव पैसों के दम पर जो सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहते हैं ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए चुनाव होने जा रहा है हम अभी भी चौंती है वो 25 है हम अभी भी चौंती है वो 25 है 3 जो है एक और बड़ी विचित्र बात ये आजादी के बाद की पहली विचित्र बात है ये भूल गया था मैं आपको बताना चाहता हूं आजाद प्रत्याशी ना कांग्रेस पार्टी का होता है ना बीजेपी का होता है और जिसकी सरकार हो उसके साथ चल पड़े उससे अपने काम करवाने चाहिए अपने विधानसभा क्षेत्र के ये देश में आजादी के बाद पहला ऐसे अब 3 आजाद प्रत्याशी है जो विधानसभा के बाहर बैठ के बोलते हमारे इस्तीफे स्वीकार करो और इस्तीफा दिया और उसके बाद गए हाई कोर्ट में
कि स्पीकर महोदय महोदय को बोले कि हमारे इस्तीफे स्वीकार करो। भले मानुषों के दिमाग बीन दिया हुआ, आप इससे पूछो कि क्या आप राजनीति से संन्यास ले रहे हैं या अगली बार आप विधायक नहीं बनेंगे। या तो ये कहो कि हम अगला एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे क्योंकि एमएलए का इलेक्शन आने वाला है, ये पहले है। ये इसलिए नहीं कह रहे कि हमारे इस्तीफे स्वीकार करो। मैं बताऊं इसके पीछे क्या राज है। इसके पीछे वो जो अटैची भरे हुए वो राज है, नहीं है। पर इस बार लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनबल है। क्या आप हमारे साथ हैं? जोर से बोलिए। तो जहां आपने हमें 5 साल का मौका दिया है, 3.5 साल और हमारी सरकार है। हमीरपुर के जिले के लोग, मैं जानता हूं जहां आप खड़े हो जाते हैं वहां हवा का रुख बदल देते हैं। और आज मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या आप मेरे साथ खड़े हैं कि नहीं है? जब आप मेरे साथ खड़े हैं तो मैं कोई भी युद्ध है जनता की ताकत से, हिमाचल की जनता की ताकत से उस युद्ध को जीतने की क्षमता हम रखते हैं। ना ही बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी के कार्यकर्ता मन ही मन में बहुत दुखी है कि 14 महीने पहले तो हम इनके खिलाफ गए थे, अब वो इस बात पर फैसला बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कर दिया कि ये जो चुनाव है ये बिकी हुई पार्टी का बिके हुए विधायक को चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता होकर जो भी लोग इन बिके हुए विधायकों के खिलाफ खड़े होंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, इन बिके हुए विधायकों को सबक सिखाने का, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनसे अनुरोध करूंगा इनको कभी भी विधानसभा के में न आने दीजिए। ये आपकी भावनाओं का सौदा करते हैं, ये आपके वोट का सौदा करते हैं। आपकी भावना और वोट का सौदा करने के बाद अपने लिए पैसा ढूंढते हैं। इसलिए ये कोई मेरी मुख्यमंत्री की कुर्सी का चुनाव नहीं है। अभी हमारे 1.5 साल पूरे हुए हैं। जयराम ठाकुर जी बार बार कह रहे हैं कि हमारे 1.5 साल पूरे हो गए हैं, 4 जून को हमारी सरकार बनेगी, 4 जून को हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे और चारों लोकसभा सीटें भी जीतेंगे। कि ये एक ईमानदार और स्वच्छ छवि का आदमी है, पूरी सरकार इसके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री के तौर पर आप ये सोचिए कि मैं ये चुनाव लड़ रहा हूं। मैं दूसरी बात एक और करना चाहता हूं आपसे, दोनों बोर्ड सीएम को जाने चाहिए, दोनों बोर्ड सीएम को जाने चाहिए। आप सीएम को दोनों बोर्ड डालेंगे? कौन रहा जाता मेरे साथ 35 साल के लंबे संघर्ष के बाद एनएसयूआई की राजनीति से, धर्मानी जी जानते हैं हमारे साथ इसने काम किया है। महिला आदमी है, आपकी तरह गांव के परिवार से उठा हुआ आदमी है। इसको इसके लिए भी आपने पूरी तरह से एकजुटता से वोट देनी है। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं।